टनल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विशाल गिल व्लॉग्स। होप करता हूँ आप सब लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं रात को। मैं आपको एक बार टाइम दिखाता हूँ वॉच में। ये देखो 12:40 हो चुके हैं, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा आपको। और आज डेट है 22 जनवरी। तो आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। चलते टाइम भाई सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं। एक बार सबसे पहले सबसे मिल लेते हैं। ओके पापा, ठीक है। ओके बाय। ओके मम्मी बाय। ओके बाय बेटा, हैप्पी जर्नी। ओके बच्चों, बाय बाय कर दो एक बार सारे, ठीक है। ओके आगे मिल चलाना भाई, तेरे ले भाई, तू बता दे। अच्छा खुशी, तू भी बोल दे एक बार बाय। ठीक है, ओके। तो गाइज, मैंने अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिया था, कपड़े वगैरह सारे इसमें डाल लिए मैंने, और गैजेट से रिलेटेड और चार्जर वगैरह सारा इसमें डाल लिया मैंने। तो अब यहाँ से चलते हैं और गाड़ी में सामान रखते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। नहीं, गाड़ी में सामान रखने से पहले आज आपको सबसे पहले दादा दादी से भी मिलवाता हूँ गाइज। मेरे लिए कुछ खर्चा पानी है। ओके ठीक है दादा, ठीक है दादी जी। दादा मेरे भी दे दे, ये देख लो भाई, जब तू बाहर जाएगी तब तेरे को दिला देंगे। ओके गाइस, अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि हम लोग जा कौन कौन रहे, वो आपको मैं सबसे मिलवाता हूँ और वहीं पे आपको दिखाता हूँ। A few moments later. एक बार जाने से पहले पूछ लेता हूँ खुशी से भी क्या मंगा रही थी, बता दे क्या लेके आना। अभी फिर कहीं बाद में बोले कि मेरे लिए नहीं लेके आया ऐसा कुछ। कुछ भी ले आया भाई, अच्छा था। एक चीज तो भाई, इसने मेरे को पहले ही बोली है घर में नहीं घुसने दूंगी, अगर मेरे लिए फ्रिज के वो स्टिकर आते ना मैग्नेट वाले, वो नहीं लेके आया तो वहां से। तो चलो और वो ले आऊंगा, और कुछ लाना है तो वो भी बता दे अभी। और कुछ नहीं लाना, बस तो अच्छे से जाइए। ठीक है, ओके। तो भाई सामान वामान रख के घर से निकलने की तैयारी हो चुकी है पूरी, और घर वाले सारे यहाँ पे हैं। बाय सबको, ओके बाय 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 मम्मी बाय। ओके ओके बाय बाय बाय। तो भाई सारे घर वाले भाई छोड़ने आए थे यार। तो भाई घर से निकलने के बाद सारा लगेज हम लोगों ने गाड़ी में फिट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे दो भाई, इनसे मिलवाता हूँ मैं, कपिल भाई। वो कपिल भाई है, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ये है हमारे अनिकेत भाई, ये फोटोग्राफर, ये बॉटल। एक चीज और गाइस, एक राइडर और हमें भी ज्वाइन करने वाला है, वो हमें आगे मिलेंगे, उनसे भी मिलवाता हूँ और उसके बाद चलते हैं। चले कपिल भाई, चलें। तो भाई गाड़ी तो अपनी तैयार थी, वो आप लोगों ने देख लिया था। ये देखो गाइस, ये हमारी पहली बाइक है। आप एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, भाई का ये चैनल नेम भाई ने चेंज कर दिया, कपिल भाई। अब चैनल का नाम हमने केबी व्लॉग्स कर लिया ना, केबी व्लॉग्स। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम लोग हटा नहीं पाए, इसको थोड़ा सा बिजी थे भाई, एकदम से राइड हम लोगों ने प्लान की है, सडन प्लान था हमारा। बाइक देखो गाइस, पूरी चमक रही है एकदम बिल्कुल। और बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई घर से निकल चुके हैं, ये देखो भाई 24/7 से जो सामान उठाना था उठा लिया। देखो बाइकर हमारे पूरे तैयार हैं, हम लोग भी अपनी गाड़ी से पूरे तैयार हैं। अब दूसरे बाइकर मिलेंगे, वो उनको भी मैं आपसे मिलाऊंगा। देखो भाई पूरा पूरी सेफ्टी के साथ चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा हुआ, हर चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। से निकलने के बाद हम लोग अभी जीटी करनाल रोड पर रुके हैं। ये हमारा पूरा स्क्वाड है और हमारी बाइक्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। दोनों बाइक्स आ चुकी है, ये देखो भाई, ये हमारी दोनों बाइक आ चुकी है। ये डोमिनार मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, ये हमारी दूसरी डोमिनार है, ये भी फुल रेडी है और हमारी गाड़ी तो रेडी है ही। अब यहाँ से सीधा निकलने के बाद हम लोग मूर्छल रुकेंगे अमरीक सुखदेव पे, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा खाएंगे, उसके बाद फुल एनर्जी आने वाली है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे गाइस। एक बार आपको सबसे मिलवा भी देता हूँ। तो भाई हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, भाई आपका नाम एक बार बताओ सब। भाई मेरा नाम है विनय भूषण,
तो भाई अभी भाई का फेस तो नहीं दिख रहा होगा, अभी हम लोग जहाँ पे रुकेंगे आपको एक बार दोबारा सबसे मिलवाएंगे। तो दोनों भाइयों से मैंने मिलवाया था आपको, अब यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद आप लोगों को मिलवाते हैं अच्छे तरीके से, सबसे मिलवाएंगे और आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भाई वहाँ से निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉप है अमरीक सुखदेव का, यहाँ पे हम सब लोग रुक चुके हैं। मैं एक बार आपको दोबारा उन भाई से मिलाता हूँ। भाई एक बार आप अपना दोबारा इंट्रोडक्शन देना, नाम बताओ। विनय भूषण भाई का भी अपना यूट्यूब चैनल है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा अभी। वो धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, अभी तो स्टार्टिंग है ट्रिप की। और ये हमारे कपिल भाई बैठे हैं बीच में, टोपे वा आ जाइए बहुत बड़े, ये देखो भाई। और बाकी भाई यहाँ पे हम लोगों ने छोटा मोटा कुछ ऑर्डर कर लिया है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं कुछ खा के। एक आप लोगों को पता है अमरीक सुखदेव आए तो यहाँ पे पराठे नहीं खाए तो क्या खाया। कपिल भाई एक चीज़ और क्लियर करो, सब लोग देखो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं नारकंडा हिमाचल प्रदेश। तो कपिल भाई देखो भाई, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यही हमारे में से बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग होता है ना, जो एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। जितनी भी प्लानिंग की है भाई ने की है, मतलब पूरा जो भी सीन है। तो कपिल भाई आज मतलब आज अभी 22 हो चुकी है, टाइम बताओगे एक बार? टाइम कितना हो गया, टाइम दिखाओ तो। मैं 4 के आसपास का टाइम हो गया यहीं पे, अभी अमरीक सुखदेव पे हैं, यहाँ पे अभी और हाफ एन आवर लगेगा। तो हमारा इसके बाद कहाँ स्टॉपेज होगा यार? इससे अगला हम लोग देख रहे हैं अराउंड, अगर अम्बाला या चंडीगढ़ पे रुके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि आज में हम लोग मतलब शिमला कुफरी वगैरह होते हुए आराम से अपना तो लगभग नियर टू नारकंडा तो हम लोग पहुँच ही गए, सो दैट कल बाकी का जो को, क्योंकि हम नारकंडा से ऊपर सोच रहे हैं कि हम लोग हाँ। अच्छा, अगर एक ये सोचा जाए कि हम लोग मतलब अगर ये चीज़ पूछी जाए कि आज हमारा स्टे कहाँ है, वो तो स्टे का कुछ सोचा है आपने? स्टे का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज अभी कुछ भी जहाँ तक चलते हैं, जहाँ तक बाइक चलेगी वहाँ तक चलाएंगे, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन लेके चलेंगे तो हो नहीं सकता उसमें पॉसिबल नहीं। बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं जो ट्रिप है अपनी, जो एक राइड है उसको थोड़ा सा एडवेंचरस होना है। नारकंडा इज नॉट अ लास्ट पॉइंट, तो सो वी आर लाइक लुकिंग फॉर लाइक नेक्स्ट लेवल एडवेंचर, लाइक हो गया अपना एक अपना जैसे हो जाएगा ना जलोरी पास हो गया जीबी हो गया। तो हम लोग सोच रहे हैं अगर यहाँ तक अगर पहुँचते हैं तो थोड़ा हमें स्नो वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल तो यही भाई आप लोगों को पूरा एडवेंचर कराएंगे, बहुत अच्छा मतलब ठीक है, मतलब आप लोग देखोगे तो भले ही आप लोग इसको वर्चुअली देखोगे पर आप लोगों को बिल्कुल फील आएगी कि मतलब हाँ आप भी हमारे साथ घूम रहे हो। तो मतलब आज का हमारा एज सच कोई फिक्स नहीं है, हम लोग यहाँ रुकने वाले की वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए यही मतलब हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम लोगों को नारकंडा पहुंचना है, और नारकंडा से अगर इधर उधर थोड़ा बहुत जाना पड़ता है मतलब आप लोगों को मतलब अच्छा दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे ठीक है। और बाकी जहाँ पे भी आज रुकेंगे आपको पता तो चलेगा ही गाइस, सारा आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और बाकी कपिल भाई रुकने का कैसे, होटल में करोगे या कैसे करेंगे? यार रुकने का देखो ऐसा है कि हम लोग जो है हम लोग घर से अपना लेकर आए हैं सब कुछ, वैसे तो जो रेडी टू ईट फूड है हमारे पास, मतलब पेट्रोमैक्स भी है हमारे पास, लाइक वी आर लुकिंग फॉर लाइक अगर हमें टेंट मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, कैंपिंग वगैरह हमारी हो जाएगी कि भाई एक जंगल वो हो जाएगी हमारी कैंपिंग हो जाएगी, मतलब एडवेंचरस फुल ऑन ट्रिप को फुल ऑन एडवेंचरस रख रहा है, ऑन एडवेंचर है। तो आप ही लगा लो कि मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हमारे मतलब एक 95% चांस है कि हम लोग एक जंगल को ही करेंगे, मतलब एक तरीके से पूरी फॉरेस्ट कैंपिंग करेंगे, अगर उसका हो गया शिमला की तरफ। बिल्कुल बंदों को लेकर चलेंगे, बंदों का वो अपना खाने वाने का जुगाड़ सब कर देते हैं सब कुछ। तुमने तो टोपा भी ऐसा पहन रखा है कि शेर उठा ले जाए। नहीं, मैंने अभी अराउंड 20-25 दिन पहले गंगोत्री की राइड जो की थी मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। बाकी गाइस मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊँ तो भाई मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड रहा है इस चीज में हम लोग तो अभी हम तो बस एक वो कहते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी है इसमें एक तरीके से हम तो जस्ट एंटर कर रहे हैं तो भाई मतलब काफी लंबे टाइम से इस पूरी ये राइड्स वगैरह कर रहे हैं। हमारी प्लेट्स में आ चुके हैं, सबसे पहले किसी ने नहीं बोला खाने के लिए, कपिल भाई ने आते ही मैं खाऊंगा। एक चीज और, मेरे को आते ही बोल रहे तेरा मक्खन भी मैं खाऊंगा, मगा खा लेना यार, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बड़े बुजुर्ग हैं, डाइट ज्यादा हो चुकी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो भाई हमें अमरीक सुखदेव पे लगभग 5 बज चुके हैं, तो यहाँ से अब जल्दी से निकलते हैं। अब इसके बाद 150-200 किलोमीटर खींचने के बाद कहीं ब्रेक लेंगे,
वो सारे हमारे बाइकर्स तैयार हो रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और तो भाई अभी हम लोग करनाल से थोड़ा सा आगे निकले थे और बारिश चालू हो चुकी है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि मंदी बारिश है, मतलब तेज बारिश हो रही है। मेरे को तो ऐसा लगता है हम लोग शिमला में एंटर करेंगे, हमें एंटर करते ही वहाँ पे स्नोफॉल मिलेगी गाइस। भाई अम्बाड़ा हरियाणा में एंटर हो चुके हैं, अब हम लोगों ने यहाँ से चंडीगढ़ शिमला वाला रोड पकड़ लिया है। वही हम लोग ये अम्बाला का जो मेन गेट होता है यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ चुके हैं चंडीगढ़ शिमला की साइड, चंडीगढ़ हाईवे पे पहुँच चुके हैं। हम हरियाणा क्रॉस कर चुके हैं और बॉर्डर पे आने वाले हैं, पंजाब के अंदर घुसने वाले हैं, पंजाब के अंदर घुसने वाले हैं। हाँ, लेकिन हम लेफ्ट से निकल लेंगे हिमाचल के लिए शिमला साइड, यहाँ से सीधा। हाउस द जोश कपिल भाई। भाई अभी पिंजौर के आसपास पहुंच चुके हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे अभी हमने टी ब्रेक लिया था, अब इससे यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अब ये पूरा माउंटेन एरिया स्टार्ट हो चुका है, अब सारा जो जितना भी रास्ता होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा गाइज, आप समझ सकते हो। माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को आके दिखाते हैं कि आज कहाँ रुक। भाई वेलकम टू हिमाचल प्रदेश वाला हमारा गेट आ चुका है और ये देखो आगे क्या आ रहा है गाइस, पूरा कितना अच्छा व्यू आ रहा है माउंटेन्स को देखो। आपको थोड़ा सा आगे निकाल के दिखा दो इनसे, ये देखो गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो भाई देखो, एक बार व्यू चेक करो यहाँ का, क्या ही बात है, मतलब हिमाचल की तो क्या ही बात है, मैं क्या बताऊँ आपको। बस मैं भी, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। एक तो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश एयर, सब कुछ बहुत अच्छा। एक बार आप, वो तो आपको कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, आप देखो एक बार ऊपर भी देखो गाइस। तो भाई एक बार मेरे पीछे का व्यू देखो कितना अच्छा है यार। एक बार मैं स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए ही यहाँ पे रुका हूँ, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस,
One eternity later. तो गाइज हम लोग अभी दोबारा रुके हैं, एक ब्रेक लिया है छोटा सा कुछ खाने पीने के लिए। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो छोटा मोटा चक्कर आ जाता है। एक जो जो साथ में है उनको चक्कर आ गया था और उल्टी भी आ रही थी, तो इसलिए हमने एक ब्रेक लिया है छोटा सा। तो अभी यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर किया है, और बाकी हम लोग अभी शिमला से 30 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया है कुछ खाने पीने के लिए। एक बार मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ सबसे, सबकी हालत क्या है एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार सबसे मिलवाने से पहले आपको एक बार व्यू चेक कराता हूँ। व्यू देखो गाइज यहाँ का। हाउ इज द दोस्त गाइज? हाई है अभी भी, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो अभी पराठे ऑर्डर किए हैं, यहाँ पे पराठे आने वाले हैं भाई। जीबी पे जाके कम होगा? अच्छा, वहाँ वहीं जाके होगा, हाई रहेगा पूरे रस्ते? अरे फुल हाई रहेगा, एक दूसरे का बढ़ाते रहेंगे ना। चलो ओके ओके, तो गाइज यहाँ से अभी पराठा ऑर्डर किया, पराठा खाने के बाद यहाँ से निकले भाई। पहाड़ों में आके भी पराठे खाने का लगी मजा, पराठे और एक मैगी। पराठे तो हमारे टेबल पे आ चुके हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मैगी अभी आई नहीं है, आने वाली। देखो भाई ये हमारे पराठे आ चुके हैं यहाँ पे। और क्या चाहिए आपको, जब एक साइड बाय साइड आपको पराठे मिल रहे और इतना अच्छा व्यू, आप यहाँ से खाते टाइम आप देख इंजॉय कर सकते हो, और क्या चाहिए आपको। बाकी अभी मैगी भी आ रही है। और ठंड का क्या रिस्पॉन्स है, पहले एक बार ठंड बताओ भाई यहाँ पे। बहुत ज्यादा है सही में, मतलब अभी से शरीर कांप रहा है ऊपर, पता नहीं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया भी, हम लोग अभी शिमला से अप्रोक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर पहले हैं, और यहाँ पे मतलब अच्छी खासी ठंड है। और हमारा जो मतलब एक वो कहते हैं ना एम या जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो तो हमारी नारकंडा है। वहाँ तो बहुत ज्यादा, वहाँ तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल बता रहे हैं। बाकी 5 डिग्री अभी होगा, 4-5 डिग्री इस टाइम होगा। हाँ तो वहाँ पे देखते हैं फिर क्या होता है, और आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी देखते हैं। हाँ मामा जी कैसे हो, फिट? चलो ये कुफरी के लिए एक छोटी सी टनल है। ये देखो भाई, अब मैं आप लोगों को सीधा कुफरी पहुंच के दिखाता हूँ वहां का कैसा। गाइस कुफरी से 5-7 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। ये देखो बाहर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ऐसे कैमरा थोड़ा सा भी जस्टिस कम कर रहा होगा, नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा तो इसमें आ रहा है, आप देख सकते हो। और बिल्कुल क्लाउड्स देखो कितने ज्यादा क्लियर है स्काई भाई। रोड यहाँ, रोड कह रहा हूँ, यहाँ ट्रक बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलते हैं, इनको डर ही नहीं लगता यार, पता नहीं किस तरीके से चलते हैं ये लोग। और बाकी आप ये देखो गाइस, मैं एक बार अपना हाथ बाहर निकालता हूँ, अगर कुछ थोड़ी बहुत आएगी तो। यहाँ पे इतनी नहीं है अभी, और एक बार कुफरी पहुंच के आप लोगों को दिखाऊंगा मतलब वहां पे क्या सीन है, वहां का कैसा क्या वेदर है। और बाकी कपिल भैया और वो दूसरे भैया जो राइडर हैं विनय भैया, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो थोड़ा सा भी स्लो चल रहे हैं क्योंकि भाई अभी रोड्स की कंडीशन थोड़ी सी स्लिपरी हो गए हैं रोड्स, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होगी ना इसकी वजह से वो थोड़े स्लिपरी हो गए रोड्स, तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये देखो स्नोफॉल। कपिल भाई कैसा लग रहा है भाई? मतलब ड्रीम कम ट्रू है ना, फर्स्ट टाइम था अपना, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ हिमाचल। देखो भाई ये देखो, और मैं एक बार गाड़ी की देखो भाई, पूरी पे बर्फ है, ये पूरी पे बर्फ, सारी गाड़ियों पे बर्फ है, पूरी बढ़िया तरीके से बर्फ बारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। अभी जस्ट कुफरी पहुंचे हैं वो आप, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और
काफी सारे पार्ट्स आने वाले इस सीरीज के, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अभी हम लोग नारकंडा नहीं पहुंचे, अभी तो सिर्फ हम लोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुफरी पहुंचे, उससे आगे भी आप लोग को लेके चलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।